यस सर। मेरा पहला सेंटेंस हो गया, देखो सिंपल सी बात है, उसने बोल रहा पढ़ते हुए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमें पढ़ते हुए इट हैज बीन फोर इयर्स, कितने साल बोल रहा है, टू इयर्स, टू इयर्स टू अस रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला बोलिए, हमें नहाए हुए एक घंटा हो गया, यानी हुए, बेटा जरा रेट चलो नहीं इसमें नहीं चला, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लिख लोगे, है ना, हमें क्या बोल रहे हो आप लोग, हमें नहाए हुए एक घंटा हो गया, इट हैज बीन वन आवर टू अस हैविंग बाथेड, ठीक है, मैं चलिए अगला बोलिए, रेखा को देखो, इट हैज बीन फोर डेज, चार दिन हो गए, फोर मंथ है ना, फोर मंथ टू रेखा राधा जो भी हो लिखिए, हैविंग गॉन। नेक्स्ट बोलिए, अमन को खेलते हुए सुबह हो, है ना, तो इट हैज बीन टिल मॉर्निंग, इट हैज बीन टिल मॉर्निंग टू रमेश, क्या बोलते नाम है, अमन, टू अमन प्लेइंग, लास्ट में लिखना हमारा प्लेइंग, ठीक है, नहीं नहीं इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें खेलते हुए अंत में आ रहा है, ठीक है, अगला बोलिए, हमें टीवी देखे हुए दो साल हो गए, इट हैज बीन फोर इयर्स, इट हैज बीन टू इयर्स, इट हैज बीन टू इयर्स टू अस, हमें ना या मुझे, टू मी, अब यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है कि जब हमारा ता होता है यानी खेलते हुए, तो वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है लास्ट में, लेकिन जब हैविंग होता है यानी जब हुए हो गया यानी पास्ट में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है, हैविंग का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग क्या करते हुए, देखे हुए, सीन, बेटा एक मिनट, यहाँ पे सीन का यूज नहीं करेंगे, देखो जब सीन का यूज हम वहां करते हैं जब कोई चीज स्टेबल हो यानी रुकी हुई हो, वहाँ पे हम सीन का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई इमेज हो यानी पर्टिकुलर एक इमेज मूव कर रही हो, ठीक है, यानी जो चीज मूव कर रही हो, तो वहां पे हम लोग वॉच का यूज करते हैं, ठीक है, टीवी को कभी हमेशा देख के वो सीन ही करते हैं ना, ही सीन करते हैं, ठीक है, और ना ही कभी लुक करते हैं, ठीक है, देखो पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक टू वॉच एंड सीन, हमने शायद बता भी रखा था उस दिन, हमने आपको बताया था, अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि सीन में, लुक में और वॉच में अंतर क्या होता है, देखो तीनों का मतलब होता है देखना, तीनों का मतलब होता है देखना, देखो लुक वॉच एंड सी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन कंडीशन चेंज है, जो इसमें कंडीशन है वो चेंज है, चेंज क्या, लुक को हम क्या देखते हैं, लुक का यूज हम तब करते हैं जब
पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देख रहे हैं, या किसी पर्सन या कोई भी चीज हो जिसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखते हैं, तो वहाँ पे लुक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं वॉच का। जब कोई हमारा यहाँ पर्टिकुलर दे रखा है तो इसमें चित्र होते हैं वो मूव करते हैं, यानी जब कोई कायदा दे रखा है उसमें चित्र कोई मूव करते हैं तो वहाँ पर सेंस करते हैं वॉच का। बात समझना है। और एक बार सी कैजुअली चीज हमें दिख रहा है, मतलब यूनिक कोई चीज हमें दिख रहा है तो उसे हम आप लोग कंसंट्रेशन के साथ में देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को कंसंट्रेशन के साथ में नहीं देख रहा हूँ। बात समझ में आई? इसका फॉर्म समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड।